हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि मैं पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि पिक्सल कंट्रोलर मैंने मंगाया हूं, जो कि आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल में। तो इस टाइप का कनेक्शन मैंने मंगाया हूं, कुछ इस टाइप की बोर्ड होती है और ये मैंने मंगाया हूं पिक्सल एलईडी लाइट डॉट कॉम से। ठीक है दोस्तों, तो ये है 10x40 का है और ये जो है एस कनेक्शन में आपको तीन कनेक्शन देखने को मिलेगा, पैरेलल एस और जेड कनेक्शन में। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में आपको दो टाइप के आते हैं। पैरेलल कनेक्शन में आपको एक रहेंगे तो आपका 20 पोर्ट का मिलेंगे, 10 पोर्ट का मिलेंगे या 40 पोर्ट का मिलेंगे, जिसमें आपको एक ही साथ आपको 20 या 40 या 10 ऐसे झालर, लंबी झालर जो कि है 50 बल्ब का, वो इसमें चला सकते हैं। और एक तो आते हैं जैसे नॉर्मल बेल्ट वाले होते हैं, वो भी आपको इसमें पैरेलल कनेक्शन करवा सकते हैं। और छोटी सी किट आती है जैसे 1x100 का आते हैं, ठीक है, जो आपको सीलिंग में लगती है या आपकी पट्टी जो लगती है बॉर्डर में लगती है, उस टाइप की वो आते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये 10x40 की है एस कनेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो इस एस कनेक्शन में इसको आपको देखने को मिलेगा 52 इफेक्ट और उसके बाद 200 से प्लस ट्रांजिशन। इफेक्ट बोलने से आपका जो जितना भी डिजाइन चल रहा है वो इफेक्ट है, और ट्रांजिशन मतलब आप लेफ्ट से राइट चल रहे या राइट से लेफ्ट चले, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या बीच में से चले, वो आपका ट्रांजिशन हो गया। और इफेक्ट जो है वो आपका जो वैरायटी ऑफ डिजाइन जो चलते हैं एक डिजाइन खत्म होने के बाद, उसके बाद उसको इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें है कंपनी दावा करता है कि इसमें इतना ही इफेक्ट है, 52 से प्लस इफेक्ट है और 200 से ज़्यादा इसकी टेंशन है। तो देखते हैं दोस्तों किस टाइप का इसका इफेक्ट डाला गया है। अगर आपकी इसके अनबॉक्सिंग और इसके अंदर में कौन सी ऐसी लगी हुई देखना है तो बीच में भी एक छोटी सी वीडियो चलेगी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास जो पीछे है ये है आपका 10x20 का, ये मेरा सेटअप है और इसमें लगेगा 10x40, यानी कि इसमें डबल लगेगा इसमें। और जो नीचे में जो है या ऊपर में जो साइड में देख रहे हैं पीछे में, ये आपका 10x15 है और नीचे में 5 चला है। तो 5 को खोल के मैं इस साइड का लेफ्ट साइड में लगवा दूंगा इसको, और बाकी इसमें साथ भी और एक्स्ट्रा 20 जो है वो चला सकता हूँ, यानी कि 4 पिक्सल लाइट और इसमें जोड़ सकता हूँ, इसकी कैपेसिटी इतनी है। और आप चाहें तो इसको और 10x40 जो है 10x80 भी कर सकते हैं। कैसा करना होगा, 10x40 के बाद जो डाटा शुरू होगा, ठीक है, जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कहीं पे तो खत्म होगा, 10x40 जो शुरू करेंगे वहां से क्या होगा, इस वाले डाटा को फिर से उठा के लेके एक वायर के माध्यम से वहां पे जोड़ देंगे तो वो फिर 10x40 चल जाएगा, यानी कि 10x80 का ये तुरंत बनेगा। ठीक है, तो ये तुरंत वाला सेटअप है। देखते हैं दोस्तों इसमें किस टाइप की प्रोग्राम है, किस टाइप की डिजाइन डली है, कंपनी किस टाइप का दावा करती है, क्या खरी उतरती है कि नहीं, तो आज वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो है 10x15 है, उसमें आप चला कर दिखाऊंगा, उसके बाद साइड में 5 आप नीचे से खोल के भी इस तरह से एस कनेक्शन कर सकते हैं। तो किस टाइप का होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका डाटा इधर से इनपुट हो रहा है तो डाटा जाएगा नीचे, फिर नीचे से घूमते हुए ऊपर जाएगा, तो ये होगा एस कनेक्शन। जेड कनेक्शन में आपको किस तरह से होगा दोस्तों, डाटा जाएगा ऊपर से नीचे होगा और ठीक उसी तरह से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आपका डाटा चलेगा, उसको हम बोलते हैं जेड कनेक्शन, क्योंकि सिस्टम कुछ इस टाइप की जेड कनेक्शन में होती है। और यहाँ से जो डाटा इनपुट हुआ ऊपर से और नीचे तक गया डाटा जो आउट हुआ, वो डाटा फिर एक वायर के माध्यम से ऊपर जाके फिर इस वाली पिक्सल लाइट में जुड़ेगा, तो उसका आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एस कनेक्शन में आपको डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक पिक्सल लाइट के जो दूरी है वो 5 इंची है और इसी हिसाब से आपका नीचे का जो साइज है वो 5 इंची ही रहेगा। अगर आप इसमें थोड़ी सी छिड़खानी करते हैं तो वायर को आपको कट करके एक्स्ट्रा वायर आपको जुड़ना पड़ेगा, जो कि आपका झंझट वाला काम है। तो एस कनेक्शन में आपको सिर्फ आपका 5 इंची ही डिस्टेंस मिलेगा, लेकिन जेड कनेक्शन में आपको आपका साइज इसमें डिफर नहीं करता है, आप 6 इंची लगाइए, 7 इंची लगाइए या यानी कि 12 इंची लगाइए, यानी कि 1 फुट का बनाए वो आराम से बन जाता है जेड कनेक्शन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको कंट्रोलर को कनेक्शन करते हैं और देख लेते हैं इसकी इफेक्ट किस तरह से है और किस तरह से इसकी डिजाइन डली है, या क्या जो दावा करता है कंपनी सही है या मेरे पास एक गलत प्रोडक्ट भेज दिए हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। We'll be right back.
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें तीन ही कलर का ज़्यादातर यूज किया गया है, जो कि है कुछ ऑरेंजी कलर का, वाइट कलर का और बीच में ब्लू है और नीचे में ग्रीन है। तो ये तो लगभग आपका जो इंडिया फ्लैग के साथ लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं और क्या क्या इफेक्ट में इसमें दिया गया है। दो चार ठो इफेक्ट तो यहाँ पर चल ही गया है। और जो ये लेफ़्ट से राइट हो रहा है और फिर राइट से लेफ्ट होगा, ये आपका ट्रांजिशन है। और जो एक के बाद जो डिज़ाइन आ रहे हैं वो उसकी इफेक्ट है, या डिज़ाइन आप जो भी बोल सकते हैं इसका। तो दोस्तों ये तो पूरी की पूरी जो है तिरंगा, उसी के हिसाब से पैटर्न बनाया गया है और इसमें ना कि कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इसमें इफेक्ट दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये शायद कंपनी ने गलत इसमें प्रोग्रामिंग डाला है या गलत मेरे को प्रोडक्ट भेज दिए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तिरंगा का ही ये सेटअप है और इससे अलग कुछ अलग डिजाइन ही इसमें नहीं चल रहा है अभी तक के लिए, ठीक है। अभी लगभग इसमें 4 या 5 इफेक्ट यहाँ पर हो चुका है और देखते हैं और क्या इसमें इफेक्ट है। तो ये हो गया 6 नंबर का, देखते हैं इसका, वेट करते हैं और क्या इसमें इफेक्ट और चलता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इस पैरेलल जो है आपकी जो कंट्रोलर आती है छोटी वाली, उसमें से क्या ऊपर नीचे होकर चलेगा, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा वेरायटी इसमें चल रही है, जैसे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो ये देखिए दोस्तों 7 के बाद यहाँ पे फिर दोबारा 1 से शुरू हो गया, यानी कि इसमें लगभग आपका 7 से 8 इफेक्ट इसमें दिया गया है। और ये पूरी तरह से तिरंगा फ्लैग का हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। ऊपर में ऑरेंज है, बीच में व्हाइट है और नीचे ग्रीन है। तो ये कंपनी का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद मेरे को लग रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं आपको नज़दीक दिखाता हूँ, ठीक है। और ये मैं बात करूँगा कंपनी से और मेरे को ये गलत प्रोडक्ट भेजे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये पूरी तरह से तिरंगा चल रहा है। तो ये मेरा प्रोडक्ट है जो कि है, ये जाएगा रिटर्न, या तो कुछ बात कर लेते हैं किस तरह से क्या करना है इसका। ये है 10x40 का एस कनेक्शन में छोटी सी कंट्रोलर है और इसकी कनेक्शन देखिए डाटा इधर से, ये पैरेलल वाला है, इसका डाटा निकाल दिया हूँ। और अगर पुराना वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, इसमें कनेक्शन पूरी डिटेल दिया हूँ। तो इसमें डाटा इनपुट हो रहा है ऊपर से, फिर जाएगा नीचे, ठीक है, फिर नीचे से इसे 5 इंची गैप से, फिर नीचे से आएगा, फिर ऊपर से फिर इधर जाएगा 5 इंची, फिर नीचे आएगा। तो ये इसमें क्या है कि आपका 5 इंची आपका फिक्स है, ठीक है। अगर आपका जेड कनेक्शन लेते हैं तो ये आपका साइज फिक्स नहीं रहेगा, 5, 6, 8, 10, 12 ये हो सकता है। तो ये जो है 1x40 का है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कनेक्शन, तो यहाँ तक मेरा 100 पिक्सल ख़त्म हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कनेक्शन है इसको मैंने निकाल दिया था और ये है डाटा का वायर। तो ये डाटा का वायर को मैंने जो लगाया था इस वाली स्टार्टिंग से, जो कि ये 100 खत्म हो रहा है, फिर 1 से 100 जो शुरू हुआ है मैं डाटा दे रहा था। लेकिन ये 10x40 का है, यानी कि इसमें आपको बीच में डाटा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 लाइन ख़त्म होगा, ठीक है। ये आपका लाइन है, एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये तो मेरा 20 हो गया। इसके बाद 40 लाइन ख़त्म होगा तब जाके ये डाटा का वायर जाके 40 के बाद जो शुरू होगा वो लगेगा। तो ये कंट्रोलर में इतना कैपेसिटी है। तो 10x40 इसको ले बोलते हैं कि 10 आपकी खड़ी है, 40 आपकी लाइन है। तो इस तरह से इसको 10x40 बोलते हैं। एस कनेक्शन इसलिए बोलते हैं कि ऊपर से नीचे आएगा फिर नीचे से ऊपर जाएगा, ये जेड नहीं है। जेड होता तो हर डाटा का आपको ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे होता रहेगा। तो इसलिए आपका साइज इसमें मैटर नहीं करता है जेड कनेक्शन में। तो इस तरह से कुछ कंपनीज के थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है वो बात करेंगे। थोड़े से इसमें पैटर्न अलग है, डिजाइन अलग है। ये तो ये पूरी तिरंगा का सेटअप इसमें डाला गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से होते हैं दोस्तों एस कनेक्शन और जेड कनेक्शन में, आपको अपने हिसाब से डिजाइन इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और जो सिंगल पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसमें भी आपको इस तरह से डिजाइन मिलेंगे, लेकिन उसका जो है DMS कंट्रोल आते हैं वो अलग होते हैं, 10 पोर्ट का, 20 पोर्ट का, उस तरह से पोर्ट के आते हैं। लेकिन ये जो सिंगल लाइन का कंट्रोलर है इसको आप पैरेलल कर
कर सकते हैं अगर आपके पास ये कंट्रोलर है तो। ठीक है, ये छोटी सी कंट्रोलर आती है और इसका भी साइज मैटर करता है आईसी का। ये छोटी आईसी होती है, ये 8 पिन की होती है और एक आती है 20 पिन की और एक तो आती है 40 पिन की, इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें डिजाइन डलवा सकते हैं। तो इतना ही वीडियो था आपके लिए, लेके आया हूँ। मैंने जैसे वादा किया था कि मैं आपको कंट्रोलर मंगा के दिखाऊंगा और बात कर लेता हूँ, क्योंकि आज से थोड़ी सी 1 वीक के बाद ही जो कंट्रोलर है प्रोडक्ट है वो रिसीव होता है। तो थोड़ी सी 1 वीक के बाद आपका दूसरा वीडियो आएगा, तीसरा वीडियो आएगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मेरे पास भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, उसमें पूरी डिटेल रहेगा। ठीक है दोस्तों, और उसमें कौन सा इफेक्ट आते हैं, किस टाइप का डिज़ाइन आते हैं। मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।